प्रॉब्लम की शुरुआत कब और कैसे हुई? एक्चुअली अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में मुझे बहुत वीकनेस होने लगा था, पैरों में स्वेलिंग आई पहले, तो मैंने कुछ दिन अवॉइड किया ऑफिस की वजह से। फिर बहुत ज़्यादा जब वीकनेस हो गई तो फिर मैं नॉर्मल वहाँ एक डॉक्टर को दिखाने गई थी। उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, फिर बताया हाई बीपी है बहुत। तब उन्होंने आदित्य बिरला में वहाँ पर रेफ़र किया कि वहाँ एक बार चेकअप कराइए जाके। वहाँ जाके चेकअप के बाद ही पता चला कि क्रिएटिनिन इतना हाई है। उसके पहले मुझे कुछ खास फील नहीं होता था, बस वीकनेस फील हो रहा था। तो मुझे लगा मैं भी बाहर रह रही हूँ, घर का प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, तो न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा होगा प्रॉब्लम। तो क्या पता चला? उसके बाद जब आदित्य बिरला में गई, वहाँ उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया, क्रिएटिनिन बहुत हाई था। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली किडनी का इशू है आपका, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। तो उन्होंने तो एडमिट होने के लिए कहा था मुझे कि आप एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए एडमिट हो जाइए, तो आपका पूरा बॉडी का टेस्ट किया जाएगा, यूरिन से लेके हर चीज़ का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चेक करेंगे क्या सही हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने फिर घर पे इन्फॉर्म किया था कि एडमिट के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ फिर लोकल गार्जियन थे तो उनके साथ गई, एडमिट नहीं हुई थी। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया था, बोला था फिर 2-3 दिन बाद वापस आना। ऐसे टेस्ट होते रहा था, फिर मैं वापस पटना आ गई, पापा आ गए तो फिर मैं पटना वापस आ गई, कि वहाँ एडमिट होना पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ आके फिर पापा यहाँ दिखाए। तो फिर यहाँ कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ? यहाँ जब मैं आई थी तो पहले तो पापा इंदुभूषण के यहाँ दिखाए थे, तो डॉक्टर इंदुभूषण ने भी रिपोर्ट्स वगैरह देख के बोला था कि इनका फिसुला बनवा लीजिए, तो वो बना। उसके बाद फिर बीच में कुछ दिन ठीक रहा घर पे, नॉर्मल मतलब खा पी रही थी प्रिकॉशन लेके। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगा, उस दिन खाने पे कुछ भी अंदर मतलब डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा था अच्छे से, कुछ भी खा रही थी वॉमिट हो जा रहा था। तो फिर पापा उस दिन लेके गए थे हम लोग को, यहाँ पे रूबन हॉस्पिटल है वहाँ ले गए थे हमको दिखाने। तो वहाँ गई तो फिर उन्होंने नेक वाला बनाया था इसके लिए, डायलिसिस के लिए एडमिट कर लिया, और फिर उसी दिन से डायलिसिस स्टार्ट हो गया था वहाँ पर। तो वहाँ भी रही थी मैं अराउंड 8 डेज रही थी, 8 डेज नेक टाइप से हुआ था डायलिसिस, और हाथ वाला भी बना था, तो उस समय हाथ से नहीं कर रहे थे, नेक से ही कर रहे थे क्योंकि हाथ वाला प्रिपेयर नहीं हुआ था। फिर वहाँ डायलिसिस हुआ, उसके बाद घर आई, फिर हम लोगों ने चेन्नई सीएमसी के लिए सोचा, सीएमसी का पता चला था वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ गए। फिर हम लोग वहाँ जाके दिखाया, तो वहाँ भी सब जितने अपने अगर अपना सब टेस्ट करवाते हैं वो लोग, तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से सारा टेस्ट करवाया, तो उसमें भी यही निकला कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। तो उन लोगों ने फाइनल सारे रिपोर्ट देखने के बाद भी ये बोला था कि ट्रांसप्लांट करा लीजिए, कि और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम लोग पटना वापस आ गए थे। यहाँ आने के कुछ दिन बाद जब मेरी रिलेटिव से पता चला कि ऐसा यहाँ एक है डॉक्टर पीके ज्ञान, तो पापा फिर मुझे वहाँ लेके गए, तो उनके मेडिसिन खाने से फाइनली अब जाके डायलिसिस अब बंद हो चुका है, और मेडिसिन खाने से क्रिएटिनिन भी बहुत कम हो गया है। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? होम्योपैथी के। होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या फ़र्क पता चलता है? यही है कि अब उसमें जितना दवाई खाना होता है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मुझे पूरे बॉडी में रैशेज हो गए थे जब मैं वो दवाई खा रही थी, पूरे बॉडी में रैशेज आ चुके थे, मुझे अजीब सा हो रहा था, टेस्ट भी नहीं रहता था कोई चीज़ का, और अब है कि पूरे बॉडी में रैशेज भी नहीं है। और डायलिसिस होम्योपैथी खाने से अब मेरा वाकई ठीक हो रहा है, पहले बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, वो लग रहा था बस खा ही जा रही हूँ मैं, टैबलेट्स पर टैबलेट्स बढ़ते ही जा रहे थे हर दिन, कभी बीपी का, कभी कैल्शियम का, हर चीज़ का टैबलेट बढ़ा रहे थे वो लोग। और अब होम्योपैथी का खाने से अब मुझे ये है कि मेरा हर कुछ कंट्रोल में हो रहा है, पहले जितना टैबलेट्स खाती था वो भी नहीं चल रहा, मेरा बंद होते जा रहा है कि टैबलेट्स अब धीरे धीरे, अब बस होम्योपैथी का ही खा रही हूँ मैं जो डॉक्टर पीके ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पटना में डायलिसिस हुआ या नहीं? हाँ, पटना में डायलिसिस हुआ था यहाँ पे मेरा, यहाँ पे गई थी बी ब्राउन में करवाने में डायलिसिस, तो 6 मई को लास्ट हुआ था। उसके पहले से मैं खाने लगी थी डॉक्टर पीके ज्ञान का दवाई जनवरी से, तो उनके दवाई खाने के बाद से कुछ दिन तक चला था मेरा डायलिसिस, 6 मई को मेरा लास्ट हुआ था डायलिसिस, उसके बाद भी कभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। पहले क्रिएटिनिन कितना था, बाद में कितना हो गया? पहले मेरा क्रिएटिनिन 8 पॉइंट में कुछ था, और अब अभी जो करंट मेरा अभी चल रहा है वो है 3.5 अराउंड, तो अभी काफ़ी कम हो चुका है पहले से। तो नाम पूरा बता दो अपना, क्या करती हो? मेरा पूरा नाम सोनी रॉय है, पहले मैं जॉब कर रही थी, अभी करेंटली कुछ जॉब नहीं कर रही हूँ, बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी मैं, यही होम टाउन में। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद में फिर हमने कराया ये 8वां महीना 9.84
डायलिसिस बंद हो गई आपको मई में, 6 मई को बंद हुआ, उसके बाद में 7-8 मई को, हाँ रिपोर्ट में कम आया था ऊपर अपना फिजिकल में, 6-6-5-16 को डायलिसिस की इस पर जरूरत नहीं पड़ी, नहीं